भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। 1.2 बिलियन बम भोले पर। अभी बहुत अच्छे अच्छे हरियाणवी गाने आ रहे हैं, मैं कुछ हरियाणवी कर रहा हूँ। शुंभ ने शुंभ का तुमने संघार किया, झुका तेरे दर पे जो तूने सदा प्यार दिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से यही मेडिटेशन जो आपको भोलेनाथ और माँ शक्ति से इतना करीब रखा है। सब शायद वही है। 114 दिन की वो मेडिटेशन जो है वो मैंने पूरी करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूँ आपके साथ आरती अग्रावत, और आज हमारे बीच मौजूद है बम भोले फेम रैपर एंड सिंगर, वेरी वाइब्रेंट एंड टैलेंटेड फाइडस, एके दीवान शर्मा। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। थैंक यू। सवालों की शुरुआत करें उससे पहले क्यों ना दो लाइनें आपके फैंस और हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए बम भोले की। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम भोले। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। दो लाइनों ने एकदम समा बांध दिया। थैंक यू। यूजुअली लोग पेपी नंबर्स पे रैप करते हैं जी, लेकिन भगवान के गाने पर, भोलेनाथ के गाने पर और एक अलग ही उसका क्रेज रहता है उस पर रैप, ये कैसे आपके दिमाग में आया? क्या क्रिएटिविटी, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? जब ये गाना क्रिएट किया बैक इन 2017 में जी, तो 2017 में ये गाना बनाया और सावन का समय था, तो उस दौरान मैंने ये पहला गाना, मतलब मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैं करने वाला था। तो यही डिसाइड हुआ, मैंने और अनुपा जी हम बैठ के बात कर रहे थे कि किस तरह का गाना करें, तो हमने कहा कि भोलेनाथ के गाने के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये नहीं पता था कि हम ये गाना करेंगे और ये गाने को इतना प्यार मिलेगा या ये गाना यहाँ तक पहुँचेगा। तो वो ऑडियो किया था हमने, और वो ऑडियो आई थिंक वायरल हुआ और वो अक्षय पाजी तक पहुंच गया। शानदार वायरल हुआ, उसके 1.2 बिलियन yeah. उसके और पे अलग अलग हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, उन्होंने सबने रील्स बनाई सब थी टिकटॉक पर जी। शानदार है। अक्षय पाजी के साथ काम करना कैसा लगा, क्योंकि उनमें अलग ही पॉजिटिविटी एनर्जी रहती है right. खुद ही मतलब एक्टिव इतना रहते हैं, कितना अलग था, क्या लर्निंग थी? लर्निंग मैं ये कहूंगा कि जितना उनके बारे में सुना था और जैसा सुना था, वो वैसे ही व्यक्ति हैं और वैसे ही एनर्जी है उनके अंदर, बहुत पॉजिटिव है उनका ऑरा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है। और जब पता चला कि वो ये गाना करने वाले हैं, उनके ऊपर ये गाना शूट होने वाला, तो वैसे ही एक बहुत खुशी थी, क्योंकि एक वो फ़ैन मूवमेंट वाली बात भी थी, क्योंकि उनको बचपन से देखा इतनी मूवीज़ में, तो फ़ैन भी हैं और साथ साथ उनके साथ काम करने का मौका मिल गया, तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं थी। और बॉलीवुड में पहला गाना अगर उनके साथ करने को मिल रहा है, तो ये भी भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि वो चीज़ हुई। तो बहुत मज़ा आया, 3 दिन शूट चला गाने का, और बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी बातें हुई हैं, और उसके बाद भी अब रेगुलर टच में हैं, बीच बीच में बात होती रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें और कर रहे हैं। अक्षय पाजी अर्ली राइजर है, 4 बजे उठ जाते हैं हमने सुना। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हम तो सेट पे आराम से ही पहुँचते थे, और वैसे हम भी ज़्यादा लेट तक सोने वाला मैं भी नहीं तो, पर मैं आराम से जाता सेट पे, ताकि जब थोड़ा पाजी मतलब हाफ डे तक शूट करके अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो फिर इवनिंग में टाइम मिलता था थोड़ा उनके साथ बैठने के लिए। और वो ऐसे ही हैं, वो अपना आई थिंक शाम को 6 बजे तक वो खाना वाना भी खा लेते हैं, वो खाना खा के ही गाड़ी में बैठ के घर जाते हैं, तो वो ऐसे वाले हैं। नो डाउट अक्षय पाजी खुद एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी। इसके अलावा नवरात्र में एक आपका सॉन्ग आया है राइट, माँ शक्ति पर, उसमें शक्ति भी है, भक्ति भी, और अलग इमोशन है, मैंने खुद देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा राइट। इसके पीछे क्या थीम थी? तो बेसिकली नवरात्रि काफी उसके भी व्यूज हो चुके हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस व्यूज हैं अभी, और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, मेरे को खुद बहुत फोन भी आए, बहुत मैसेजेस आए, तो काफी अच्छा लग रहा है। उस गाने की कहानी इस तरह से थी कि नवरात्रि का समय था, तो हमने सोचा कि गाना करते हैं। नॉर्मली दुर्गा माता का गाना हर कोई सोचता है कि दुर्गा पूजा के समय पे करेंगे जब दुर्गा अष्टमी आएगी, पर हमने सोचा कि ये गाना इस बार ही नवरात्रि में करते हैं, और क्योंकि डिवोशनल गाना है और वो लंबे समय तक चलता है, उसकी लाइफ बहुत लंबी है, तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम तब करेंगे या, तो हमने सोचा इस बार ही नवरात्रि पे गाना करते हैं। और मैं गाना ऐसा करना चाहता था जो सेम एनर्जी के साथ हो, जैसा बम भोले हमने किया था,
तो मैंने और भी जितने गाने किए हैं भोलेनाथ के, वो सब मतलब मेरा एक अपना जोन है, एक अपना फ्लेवर है कि मैं एनर्जेटिक डिवोशनल सॉन्ग्स बनाता हूँ। तो वैसे नॉर्मली लोग पसंद करते हैं जो ज़्यादा है मतलब एज में बड़े हैं, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट और वो मेलोडियस डिवोशनल, हाँ भजन टाइप जो है वो गाने पसंद आते हैं। लेकिन मेरा ये रहता है कि कुछ इस तरह की क्रिएट किया जाए ताकि यूथ भी जो है वो डिवोशनल गाने सुने और उसको एंजॉय भी करे। तो इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि दुर्गा माता का कोई ऐसा एनर्जेटिक गाना है, कोई इस तरह की चीज़ ऑलरेडी है, तो ऐसा कोई गाना मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो दुर्गा माता पे अगर मुझे गाना बनाना है तो मैं वैसा ही एनर्जेटिक और वैसी वाइब के साथ गाना बनाऊंगा। तो जब वो गाना क्रिएट हुआ, उसके लिए लिरिक्स के लिए भी मैंने दुर्गा सप्तशती जो है वो पढ़ी। ये गाना आपने खुद लिखा? जी, शानदार, तो काबिल-ए-तारीफ। थैंक यू। तो फिर उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली, तो वो लिखा गाने को, म्यूजिक क्रिएट किया, सारी चीज़ें जब हुई तो उसके बाद मुझे लगता है उस गाने को सुन सुन के ही वो वाइब आ रहा था कि वो एक कनेक्शन दिखाना चाहिए वीडियो के अंदर, कि जहाँ पर एक माँ और एक बेटी का रिलेशन दिखे, एक वो माँ की जो शक्ति है और भक्ति है जैसे आपने बोला, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, तो हमने एक मैसेज भी देना चाहा सेव गर्ल चाइल्ड का। हाँ। एक हमने माताओं बहनों बेटियों में दुर्गा का वास होता है, एक उस तरह का भी मैसेज जो है वो इस वीडियो से आता है, और एक माँ किस तरह से एक माँ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब उसके बच्चे पे कोई आ जाती है, तो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी दिखा है, वो दुर्गा के रूप में कैसे आ जाती है एकदम, कोई भी माँ अपने बच्चे के ऊपर आ जाने भी नहीं देती, वो आपने उस एल्बम में बखूबी दिखाया। जी, तो क्यों ना अभी वो वाइब मैच करवा देते हैं, दो लाइनें भी हो जाए। शुंभ ने शुंभ का तुमने संगार किया, झुका तेरे दर पे जो तूने सदा प्यार दिया, रूप यश हो देती तुम रोग नाश करती हो, काम क्रोध शत्रु का तुम विनाश करती हो, देवों की शक्ति दुर्गा करते तेरी भक्ति दुर्गा, माताओं बहनों और बेटियों में बसती दुर्गा दुर्गा। तो आपका हमेशा से रुख डिवोशनल सॉन्ग्स पर रहा है? रुख तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मतलब मुझे डिवोशनल गाने इसलिए करने हैं क्योंकि मेरा मन करता है। मैं इसलिए डिवोशनल गाने नहीं करता कि डिवोशनल गाने चल रहे हैं या मार्केट की डिमांड है या लोग पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए करने हैं। जब नहीं भी पसंद करेंगे मैं तब भी करूँगा, और अभी तो लोग खैर पसंद कर ही रहे हैं, तो एक वो भी हो जाता है कि ऑडियंस की डिमांड के लिए भी और अपने मन के लिए भी, क्योंकि एक कला है और वो कला उसने दी है तो उसके लिए गाएंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आज के टाइम में खुद सिर्फ एक डिवोशनल सॉन्ग्स करना और उस पे इंटरेस्ट रखना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी। वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से करते हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, कम से कम मेरे दिल को तो छुई है। इसके अलावा द मिलर, द कैप्टन मिलर, कैप्टन मिलर जो साउथ में धनुष की मूवी थी, उसमें आपने हिंदी में सॉन्ग, जी वो कैसे आप तक ऑफर हुआ? तो बेसिकली वो गाना बिल्कुल मूवी एकदम रिलीज का टाइम ही था, और थोड़ा टाइम पहले ही सारे गामा के थ्रू वो गाना हमारे पास आया, और उस मूवी का टाइटल ट्रैक था, क्योंकि वो मूवी तमिल में तो रिलीज हो ही रही थी लेकिन वो हिंदी में भी, हाँ, तो उसका जो हिंदी वर्जन था टाइटल ट्रैक, तो वो मेरे पास आया, अनुपा जी के पास कॉल आया और फिर बात हुई, तो हमने कहा कि ज़रूर करेंगे, क्योंकि साउथ में अब साउथ ने इतना काम जो है वो दिखा दिया है अपना, कि हर कोई चाहता है कि उस इंडस्ट्री में काम किया जाए। धनुष वाई दिस कोलावेरी डी के बाद से 2011 का वो वक्त था, उसके बाद से नॉर्थ इंडियन जो बेल्ट है उसमें भी काफी जाने जाते, राइट। और अच्छी चीज ये थी कि जो हिंदी वर्जन किया उसमें मैंने और धनुष दोनों का जो है वो दोनों की वोकल है और दोनों ने साथ में गाया, तो वो बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो मुझे करने का। क्या सॉन्ग था वो? हम भी करना चाहते हैं। वो बहुत एक डिफरेंट वाइब का, वो इट्स अ वेरी थीम सॉन्ग, वेरी डार्क सॉन्ग, तो वो आप जरूर जाके सुनो, आप नहीं, आपको पक्का मजा आएगा सुनेंगे, बट फिर भी एक लाइन हमें जाननी है अभी आपसे उसका, उसको गाने के लिए ना, मतलब वो एनर्जी एक अलग है, वो डिफरेंट एनर्जी है, मैं चाहूंगा कि लोग जाएं और उस गाने को सुने, वो चेकआउट करें। क्या क्या टाइटल है? किलर किलर सॉन्ग का नाम है, किलर किलर किलर। देखो धनुष का वाइक दिस कोलावेरी डी के बाद किलर किलर। अब देखते हैं कि देवांश शर्मा ने उस पर कैसा काम किया है। इसके बाद आ जाते हैं माशुका पर, माशुका रकुलप्रीत के साथ आपने वो एल्बम, काफी शानदार हिट हुई है, वो किस तरह मिली और रकुलप्रीत के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पंजाबी सॉन्ग था या हिंदी है? वो बेसिकली हिंदी सॉन्ग है और वो सिंगल ही था, जे जस्ट म्यूजिक
अब तो खैर रकुल प्रीत वहां पे उनकी शादी भी हो शादी गई हो है, गई है। तो जेजस म्यूजिक का ये गाना था और जैकी बाजी से बात हुई और उन्होंने कहा कि तनिष्क जो है वो म्यूजिक कर रहे थे उसका, आशीष कौर ने गाया है, साथ में देव नेगी ने गाया है और रैप मैंने किया उस गाने में। तो वो रैप चाहते थे कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा जो गाने की वाइब के साथ बहुत मिलता हुआ, तो वो गाना मैंने जब जब आया हमारे पास, मैंने गाना सुना तो आई थिंक वो एक रात में ही उसका रैप बना के रेडी करके उनको नेक्स्ट डे भेज दिया था। और जैकी बाजी को भी बहुत पसंद आया, सबको बहुत पसंद आया, तो वो शॉर्ट हो गया था मतलब कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि रकुल इज़ गोना परफॉर्म ऑन दैट ट्रैक, तो फिर वो बाद में डिसाइड हुआ जब वीडियो की बातें हुई और सारी चीज़ें हुई। तो आपको शुरू से रैप करना पसंद था कि ये बाद में ऐसा एक एक अरसे के बाद आया? मतलब मुझे ऐसा लगता, मैंने मेरे को लिखना पसंद था, लिखने से फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रैप ट्राई कर, मतलब रैप करते हैं, मतलब रैप करने का शौक क्योंकि जो था। लोग पेपी नंबर से इंग्लिश सॉन्ग होंगे उन पर ही रैप करते हैं, डिवोशनल पर रैप करना, और फिर पंजाबी तो ठीक है पंजाबी में रैप होता है, बट डिवोशनल पर रैप करना ये अद्भुत है। तो ये मतलब एक थॉट ही था और मुझे लगता है कि शायद जो भी थॉट आता है या कोई क्रिएटिविटी आती है तो वो इंटरेस्ट और भोलेनाथ, पैशन के साथ आती है, हाँ तो भोलेनाथ भोलेनाथ तो का है ही। आशीर्वाद था तो वो ठीक चीज़ बनी, वो है। क्रिएटिव। हरियाणवी भी गा लेते, मतलब कुछ तो छोड़ दो, अभी पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी, साउथ भी पहुंच गए। बहुत अच्छे अच्छे हरियाणवी गाने आ रहे हैं, मैं कुछ हरियाणवी कर रहा हूँ, कुछ मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, और भोजपुरी भी हाँ मैं कुछ जाएंगे कुछ रीजनल गाने, अब मेरा ये टारगेट है कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में काफी सारे गाने करना चाहता लेकिन हूँ। बेसिकली आप पंजाब से हैं, हाँ मैं पंजाब, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं देहरादून उत्तराखंड। से हूँ अच्छा जी, अच्छा और मैं पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत काम कर चुका हूँ, मैं मुंबई काम कर रहा हूँ और अब मैं रीजनल गाने जो हैं वो भी बहुत सारे कर रहा हूँ। हरियाणवी कैसे मिला? और हरियाणवी तो बहुत ज्यादा अलग लैंग्वेज हो जाती है। नहीं अलग नहीं है, मैं मुझे शुरू से ही बोली का बहुत शौक मतलब मैं है। हाफ हाँ। हरियाणवी, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया है। क्या करा नागिन नाच वो भी नहीं, नागिन डांस तो मैंने किया, अभी और कुछ बढ़िया ठेठ, और कुछ कुछ बढ़िया और आने वाला है। कुछ अर्बन रागिनी टाइप कुछ ऐसे गाने आ अच्छा रहे हैं। रागिनी भी आएगी, देखिए हाँ कमाल हो गया, मतलब डिवोशनल रागिनी कुछ भी नहीं छोड़ रहे, और बागियों के लिए तो वो खत्म है मतलब। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी जो मुझे आप लगता है शानदार कि काम करें, कुछ अलग है, कुछ हाँ अलग है, कुछ यूनिक अलग है तो है और कुछ हटके है जो जी। ऑडियंस को लुभा रहा है। यही कारण है 1.2 बिलियन बम भोले पर, और ये नवरात्रि पे जो सॉन्ग रिलीज हुआ है इसको भी भरपूर प्यार प्यार मिल मिल रहा रहा है। है जी। 114 चक्र क्या था? मेडिटेशन। अच्छा तो एक फेज था जहाँ पे मेरे को लगा कि मुझे मेडिटेट करना है, और डिसिप्लिन लाने की जरूरत थी या फिर कुछ कंसंट्रेशन के नॉट लिए या फिर बेसिकली खुद खुद को काम डाउन करने के लिए, या फिर शांत, एक होता है ना बहुत टाइम आप काम कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी शांति चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन, क्या कारण था? देखो आपको जब आप बचपन से बड़े होते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें परिवार से मिलती हैं, जैसे रिलीजियसली बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं बताई जाती हैं, तो आपका एक विश्वास होता है भगवान की तरफ। लेकिन जब आप मतलब सुनते हो या कहीं पे पढ़ते हो और आपको ये पता चलता है कि कुछ और भी है जो भगवान से मिलन करा सकता है, तो हाँ आप मेडिटेशन। अब किसी किसी में वो चाह होती है कि वो चीज़ करना चाहता है, किसी में नहीं होती है। मुझे तो लगता है हर एक को करना चाहिए, जो करेगा और जिसको वो फील होगा तो वो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा इस चीज़ को। तो मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो बहुत टाइम लगा, 1 महीना 1.5 महीने तक, तो मतलब धीरे 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 वो बॉडी यूज्ड टू हुई कि हाँ, पर जब वो 1-1.5 महीने का समय निकल गया तब जाके धीरे धीरे वो बॉडी में एक फील, एक सेंसेशन, एक वो ऑरा, क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें अपने आप को पता चलती थी। तो कनेक्शन फील हुआ। हाँ तो वो कनेक्शन जो है वो फिर मैंने 114 दिन का, क्योंकि 114 चक्र होते हैं, हर कोई, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज या पॉडकास्ट देखे होंगे जहाँ पे 7 चक्रों सात के चक्र बारे में की बात बात होती की है, जाती है लेकिन टोटल हमारी बॉडी में 112 चक्र होते हैं, 2 चक्र हमारी बॉडी के बाहर होते बाहर हैं, तो होते हैं। टोटल 114 चक्र होते हैं। और 114 दिन की वो मेडिटेशन जो है वो मैंने पूरी करी, और सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर तो ऐसा हो गया था कि अपने मतलब आप ही आंख खुल जाती थी। हाँ खुद ही आँख खुलती थी, और आप बैठे हो, आप ध्यान में हो, आप कितने लंबे समय तक बैठे हो आपको नहीं पता चलता। तो एक वो जोन जो होता है ना, उस जोन के बाद जो आपको रियलाइज होता है या जो चीजें घट रही हैं और किस तरह से हो रही हैं उनका आभास होना, वो आपको बताता है कि क्या कनेक्शन है। मेरे ख्याल से यही मेडिटेशन है जो आपको भोलेनाथ और माँ शक्ति से इतना करीब रख रहा है। बस सब शायद वही है। वर्ल्ड कप के लिए भी आपने एक सॉन्ग गाया दिलेर वहनी साहब के साथ,
वो कैसे मिला और क्या सॉन्ग था वो? तो वो गाना जो था वो बेसिकली इंडिया का जो वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप के दौरान एक कंपनी है उनसे बात हुई और वो चाहते थे कि एक गाना क्रिएट किया जाए जो वर्ल्ड कप पे, और मेहंदी साहब की आवाज़ तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, तो वो एनर्जी वो पावर तो उनकी उनकी हाँ तो उनकी आवाज़ में कमाल किया, और उन्होंने आज तक किसी से कोलैबोरेट नहीं किया था एज अ रैपर, तो मतलब कोई रैपर था ही नहीं आज तक जिसने दिलेर मेहंदी जी के साथ गाया हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि बींग द फर्स्ट रैपर कि उनके गाने में आपने रैप किया, और वो बहुत कोई कमर्शियल गाना नहीं था या कुछ नहीं था, पर वो गाना स्टेडियम में ही बजा, सारी चीज़ें हुई, हालांकि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई पर हमने पूरा अपने एफर्ट किया कि वो चार्ज करके रखे। गाना वर्ल्ड कप के लिए बनता है वो अपने आप में कमर्शियलाइज हो जाता है। पर वर्ल्ड कप हर चार साल में आता रहेगा, वो गाना वापस बजता रहेगा और जीतेंगे जल्दी जल्दी जीतेंगे हम भी, यही अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद यही जीतेंगे, उम्मीद करते हैं कि इंडिया टीम अच्छा खेले, फिलहाल तो आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल का भी जोश हाई हो जाता है अगर आप वो गाते गाना। हाँ मैं आईपीएल चाहता हूँ कि एक बार ही आरसीबी जीते, हम भी उम्मीद करेंगे कि कम से कम 17वां सीजन है, एक बार ही तो आरसीबी जीते। एक बार ही मैं विराट कोहली के हाथ में कब देखना चाहता हूँ। विराट कोहली के फैन है आप? क्या बात है, अगर विराट कोहली इंटरव्यू देख रहे होंगे तो देखिए विराट कोहली मतलब आपके फैन ये है जिनकी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस है, लोग बाहर भी फैंस है, रील्स बनाते हैं इनके गानों पर। और मुझे बहुत मजा आया ये जान के, मेरे को कुलदीप यादव है इंडियन टीम में बॉलर है जो, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया, कह रहे इतना गाना बजाया आपका ड्रेसिंग रूम में, इतना बजाया और कह रहे सब नाचे हैं, कोई ऐसा नहीं। विराट कोहली भी वो देखकर फैन हो गए होंगे आपके। तो आई थिंक पूरी इंडियन टीम जो है वो उस गाने पे नाच चुकी है, सबने वो गाना बहुत सुना है, तो आई थिंक अब तो गुनगुना दीजिए ना, क्या पता इसी यही सुनकर आरसीबी इस बार कप ले आए। अभी तो गुनगुनाया मैंने आपके लिए, बम बोले तो मैं ऑलरेडी, बम बोले नहीं, वर्ल्ड कप वाला सॉन्ग, वर्ल्ड कप वाला सॉन्ग, वर्ल्ड कप में एक्चुअली मेहंदी साहब की जो लाइन है तो वो थी कि वर्ल्ड वाइड ये नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, जीत की तैयारी है, इंडिया सब पे भारी है, तो अब देखो इंडिया भारी हो जाए T20 में, इंडिया भारी है, और अगर आईपीएल की बात करें तो आरसीबी सब पे भारी है, अभी आरसीबी टेबल में नीचे है पर ऊपर आ जाए किसी, विराट कोहली जी जिता दीजिए, आरसीबी के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे कि फाइनली कप आए, राइट। इसके अलावा आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आगे बहुत सारी कोलैबोरेशंस आ रही हैं, कुछ गाने बॉलीवुड के हैं जो शायद इस साल के एंड तक आ जाएंगे, और उसके अलावा कुछ सिंगल्स हैं जो मेरे अपने हैं वो मैं रेगुलरली कर ही रहा हूँ, रीजनल मैंने आपको बता ही दिया कि गिप्पी पाजी के साथ भी काम किया आपने, गिप्पी पाजी के साथ किया मैंने जदो नच दिया तू गाना किया था उनके साथ, और हो सकता भी आते मतलब उनके साथ भी कुछ और भी करें, वो एक्चुअली मूवीज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं तो वो उनको उनके साथ गाना करने के लिए समय निकालना पड़ता है, उनसे समय लेना पड़ता है, तो वो वाली चीज है, नो डाउट वो बिजी है। तो काफी सारे और आर्टिस्ट हैं जिनके साथ अब कोलैबोरेशन कर रहा हूँ मैं, और पंजाबी गाने भी आएंगे, हिंदी भी आएंगे, हरियाणवी आ रहे हैं, भोजपुरी आ रहा है, तो हर एक रीजनल लैंग्वेज, और शायद उत्तराखंड की भी रीजनल लैंग्वेज में गाना आ रहा है, उत्तराखंड वालों देख लो भोजपुरी पंजाबी हरियाणवी कुछ नहीं छोड़ने वाले ये, और हो सकता है कुछ दिनों में सुनने को मिल जाए तेलुगु और मलयाली भी कर रहे हैं शायद क्योंकि मैं साउथ इंडिया में काफी रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता है, क्योंकि जैसे ही धनुष का नाम आया तो मेरे को याद आ गया वो टाइम जब मैं वहां पर ही थी 2011 में जब, और उसके बाद सोनू निगम के बेटे ने भी बहुत क्यूट थी आवाज में न्यूयॉर्क के टाइम पर, तो पुरानी याद है। खैर रैप करने से रैप अप करने से पहले छोटा सा रैपिड फायर, ठीक है, आपके लिए मैंने छोटे से क्वेश्चन तैयार किए थे, आपका फेवरेट बॉलीवुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर, फेवरेट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह एंड ऑल टाइम, नहीं ऑल टाइम में अगर आप जाओ तो कुमार सानू उदित जी, कुमार सानू का कोई गाना जो फेवरेट हो, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे, ऋषि कपूर और दिव्या भारती, रैपिड फायर में इतना ब्रेक क्यों आ रहा है? इतना ब्रेक इसलिए आ रहा है कि हम आपकी आवाज इतनी शानदार है उसमें खो जाना चाहते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन की बात तो आपने बता दी, बहुत सारे रीजनल सॉन्ग कर रहे हैं जी। इसके अलावा कोई ऐसा जो जानकर हम लोग भी चौंक जाए कि ये कोलैबोरेशन वाओ इतनी जल्दी? अब ऐसा ना, मैं जब तक चीजें होनी, मेरी आदत है जब तक चीजें होनी जाती ना तो मैं उनको ज्यादा वो नहीं करता, तो जब हो जाए तो ये मानते हैं आप, तो लोगों तक आ जाती है तो वो अच्छी चीज है।
फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग ऑल टाइम? ऑल टाइम ये गाना मैंने आपको बताया ही, कभी हाँ कभी ना मूवी के, शाहरुख खान के काफी सारे, और एक शाहरुख खान का गाना है आना मेरे प्यार को, हाँ, ना तुम हाँ, हाँ, छो जाना तो वो है अपना, एक उनका पहले का गाना है दीवाना दिल दीवाना, वो गाना बहुत पसंद है। तो ये पुराने गाने हैं, और उससे भी पुराने गाने हैं जो मैं सुनता हूँ, तो सुनता मैं कुछ इस जोन के गाने, किशोर कुमार, क्रिएट में रफी का नहीं सुनता हूँ, बिल्कुल किशोर साहब सुनता हूँ, मोहम्मद रफी साहब को सुना है, और महेंद्र कपूर का गाना है, उनके गाने सुने हैं, तो गाने मैं सुन, जोन वही है, मैं सुनने वाला वही। मुझे पता नहीं आज के लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे पता है, मुझे मैं पर्सनली उनके गाने बहुत पसंद हैं। उनका एक गाना है मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको जुदा अपनी भावों से होने ना देगा, वो गाना बहुत सुना मैंने, सुनाएंगे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की आवाज बहुत मिलती थी, हाँ, बहुत लोग कहा करते हाँ, थे। पता नहीं आज के ऑडियंस, आज के बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते, बट तो सुना करें ना, सुना करें तो वो उसमें खो जाएंगे, उनको बार बार आपको सुनने का मन करेगा। इसके अलावा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर आप काम भी करना चाहते हैं? मैं प्रीतम दा के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है, बहुत अलग अलग तरह के गाने इन दिनों, हाँ, तो बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं प्रीतम दा के साथ जरूर काम करना चाहता हूँ। सलीम सुलेमान है, बहुत अच्छा, मतलब उनकी कॉम्पोजिशंस, शुक्रान अल्लाह, हाँ, तो आपका ओपिनियन अभी आजकल जो रिमिक्सिंग वाला ट्रेंड चल रहा है? मेरा ओपिनियन रिमिक्सिंग अच्छी है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आज का यूथ जो है वो नहीं सुनता या कम सुनता है, तो शायद रिमिक्सेस से ही उनको पता चले कि पुरानी कॉम्पोजिशंस में कितना दम था, क्योंकि वो चीज जो है वो आज की डेट में नहीं क्रिएट हो रही है, वो कॉम्पोजिशंस जो थी वो बहुत कमाल थी, वो आज भी उतनी, उनको बार बार सुनने का मन करता है, बोर नहीं होते हैं, तो हाँ, तो आप उससे बोर नहीं हो गए, और वो जिंदा रहने वाली चीज है, उनकी लाइफ बहुत है। इसके अलावा कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए आप गाना गाना चाहते हैं, जो दिल में है कि हाँ इनके साथ तो पक्का बनता ही बनता है? रणवीर सिंह जो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना एनर्जेटिक गाने बनाता हूँ वो उनकी एनर्जी से मैच होगा, और विकी कौशल के साथ मैं करना चाहता हूँ। ये दो आर्टिस्ट हैं जो मेरे को आज, जिनके साथ मैं जरूर करना चाहता हूँ। जाते जाते कौन सा गाना सुनाएंगे? जाते जाते कौन सा गाना सुनाएंगे जो आपका फेवरेट हो? जरूरी नहीं आपका हो, आपका फेवरेट हो। अच्छा, तो आजकल अरिजीत सिंह का एक गाना सुनाया था आपको आपका कौन सा फेवरेट है जो आप बताओगे वो सुनाऊंगा। मेरा फेवरेट मेरे फेवरेट सॉन्ग ज्यादातर किशोर कुमार के हैं। कौन सा गाना बताओ? ओ मेरे दिल के चैन। ठीक है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दो लाइनें आपने कहा था ना, दो लाइनें सुना वो तो दो लाइनें बोलने वाली बात होती है। ओ अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे ना आए भरा कीजिए। शानदार शानदार, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि म्यूजिकल नाइट को बंद किया जाए।